कार्य का एसआई मात्रक कौन है? जूल है। कार्य का एसआई मात्रक जूल। कार्य का यानी वर्क का एसआई मात्रक वर्क का एसआई मात्रक कौन होगा? जूल होगा। कार्य का एसआई मात्रक कौन होगा? जूल होगा। कार्य का एसआई मात्रक जूल होगा। कार्य का एसआई मात्रक कौन होगा? जूल होगा। ओके, न्यूटन फोर्स का होगा। बाट विभांतर का, किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाकर उसे 4 मीटर विस्थापित पर भी 20 जूल ही कार्य होगा। ठीक है, कार्य का मात्रक जूल होता है। इसका संक्षेपण जैसे निरूपित करते हैं जूल को। 1 जूल बराबर न्यूटन मीटर होता है। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर होता है। प्रकाश वर्ष का मात्रक कौन होगा? प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। प्रकाश वर्ष वर्ष में तय की गई दूरी। प्रकाश वर्ष जो होता है, 1 वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है। अतः प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। 1 प्रकाश वर्ष 9.4 × 10^15 मीटर होता है। खगोलीय दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। खगोलीय दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन है? पारसेक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? द्रव्यमान यानी इनर्शिया का माप कौन है? द्रव्यमान है, मास है। ठीक है, द्रव्यमान है। द्रव्यमान किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो उस पदार्थ के त्वरण का विरोध करता है। क्या चीज़ का विरोध करता है? एक्सलरेशन का विरोध करेगा। ओके, मास जो होता है एक्सलरेशन का विरोध करता है। सरल भाषा में द्रव्यमान में हमें किसी वस्तु का वजन निर्धारित होता है। द्रव्यमान का मतलब क्या होता है? वजन। ओके, लेकिन द्रव्यमान और भार में अंतर होता है। द्रव्यमान देखिए, किसी वस्तु का मान लीजिए मेरा वजन है ए, ठीक है, चांद पर जाऊंगा तो भी मेरा वजन ए होगा, लेकिन वेट मेरा क्या हो जाएगा? कम जाएगा। जड़त्व का माप कौन है? द्रव्यमान है। जड़त्व का माप कौन है? द्रव्यमान है। उच्च वेग का यूनिट कौन होगा? मैक होगा। तरंग दैर्ध्य का यूनिट एंगस्ट्रम होगा। दाब का यूनिट पास्कल होगा। ऊर्जा का यूनिट जूल होगा। ओके, तो उच्च वेग का यूनिट कौन होगा? मैक होगा। मैक होगा। तरंग दैर्ध्य का यूनिट एंगस्ट्रम होगा। तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ है कि यूनिट कौन है? एंगस्ट्रम होगा। तो आपका क्या, उच्च वेग का यूनिट हो गया मैक, ए का 1 हो जाएगा। ओके, तरंग दैर्ध्य का यूनिट हो गया बी का 2 हो जाएगा, और ऊर्जा का उच्च वेग का तो 1, 2, 3, 4 होगा। जूल का यूनिट कौन होगा? जूल किसके लिए है? देखिए, वर्ग का एनर्जी जूल हो गया, ऊष्मा का कैलोरी, विभांतर का वोल्ट यानी सी का 4। ओके, तो एम्पियर किसका? करंट का। ओके, अब वाट किसका होगा? सामर्थ्य का। सामर्थ्य का। वोल्ट किसका होगा? विभांतर 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 का। सामर्थ्य का वाट। सामर्थ्य का वाट होगा। जूल का यूनिट कौन हो गया? जूल किसके लिए होगा? कार्य का यूनिट जूल हो गया। और इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, और वाट जो हो गया आपका सामर्थ्य का, और वोल्ट जो हो गया विभांतर का। वाट हो गया आपका सामर्थ्य का यानी पावर का। सामर्थ्य यानी पावर, पावर का है, जबकि विभांतर वोल्ट हो गया, विभांतर वोल्ट हो जाएगा। तो आपका कौन हो जाएगा? ए का जूल हो गया। वर्क का ए का 3 होगा।
आपका आंसर ये हो जाएगा। त्वरण का यूनिट कौन होगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। त्वरण का मीटर यूनिट क्या होगा? त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। बल का यूनिट फोर्स होगा यानी न्यूटन होगा। और वर्क का क्या होगा? जूल होगा। आवेग का न्यूटन सेकंड होगा। तो आपका ये होगा, आवेग का यूनिट, आवेग का यूनिट हो गया न्यूटन सेकंड। आवेग का यूनिट हो गया कौन? न्यूटन सेकंड हो गया, न्यूटन सेकंड। आवेग का यूनिट आवेग, आवेग आवेग का यूनिट न्यूटन सेकंड, न्यूटन सेकंड, न्यूटन सेकंड होगा। ठीक है, न्यूटन सेकंड होगा। आवेग का यूनिट कौन सा मात्रक क्या नहीं है? समय का मात्रक कौन नहीं होगा? देखिए, प्रकाश वर्ष नहीं होगा क्योंकि यह डिस्टेंस का मात्रा है। समय का मात्रक प्रकाश वर्ष नहीं है। बाकी चंद्र महीना अधिवर्ष, चंद्र महीना अधिवर्ष, चंद्र महीना अधिवर्ष ये समय का मात्रक है। समय का मात्रक है, समय का मात्रक, चंद्र महीना अधिवर्ष ये सब क्या है? समय का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 × 10^15 मीटर्स। और खगोलीय दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। पारसेक इकाई क्या है? दूरी को मापने का, दूरी को मापने की यह इकाई है। एक पारसेक की दूरी खगोलीय इकाई है। यह 31 ट्रिलियन किलोमीटर के लगभग होती है। एक 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 पारसेक बराबर कितना होता है? 31 ट्रिलियन किलोमीटर, 31 ट्रिलियन किलोमीटर, 31 ट्रिलियन किलोमीटर, 31 ट्रिलियन किलोमीटर होगा। 31 ट्रिलियन किलोमीटर, 31 ट्रिलियन किलोमीटर होगा एक पारसेक बराबर। कौन सा सुमिलित नहीं है? सेल्सियस नहीं होगा उष्मा का। समुद्री मील नौ संचार में दूरी की होगा, समुद्री मील जो होगा नौ संचार में दूरी की इकाई होगा। समुद्री मील जो होगा नौ संचार में यूनिट होगा, समुद्री मील जो होगा नौ संचार में दूरी की इकाई होगा। समुद्री मील, समुद्री मील, समुद्री मील, समुद्री मील जो होगा नौ संचार की दूरी की इकाई होगा। समुद्री मिल जो होगा नव संचालन की इकाई होगा। अशुभ शक्ति जो शक्ति की इकाई है, पावर की इकाई है अशुभ शक्ति। ओके, डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई है। डेसिबल क्या? ध्वनि की तीव्रता की इकाई है। डेसिबल जो है ध्वनि की तीव्रता की इकाई है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक होगा? ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ज्योति फ्लक्स का है, ज्योति फ्लक्स का। ल्यूमेन, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का, जबकि कैंडला ज्योति तीव्रता का। ठीक है, ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स है, ज्योति फ्लक्स है, ज्योति फ्लक्स है, ज्योति फ्लक्स का। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स है। ल्यूमेन, 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 ल्यूमेन जो है ज्योति फ्लक्स का यूनिट है। ल्यूमेन जो है ज्योति फ्लक्स का यूनिट है। ज्योति फ्लक्स एक ऐसी राशि है जो प्रकाश स्रोत की कुल चमक उत्पन्न करने की क्षमता से चमक व्यक्त करती है। ज्योति फ्लक्स को एक सूक्ष्म मात्रक के ल्यूमेन में व्यक्त किया जाता है। ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक है, ज्योति फ्लक्स जो है एसआई मात्रक है ल्यूमेन का।